वी आर स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि हमारे क्लास 11th एनसीईआरटी के सिलेबस से स्टार्ट होता है, लेकिन इसका एक छोटा यूं कह लीजिए कि बीच स्टार्टिंग हाई स्कूल के सिलेबस में डाला गया है, हिंट दिया गया है। क्या आपको याद है वो कहीं पर आपने इमेजिनरी वर्ड का यूज किया हो, याद कीजिए। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप पढ़ रहे थे तो आपको वहां पर एक नेचर ऑफ रूट्स में जब डिटरमिनेंट लेस देन जीरो हो तो उसके रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं ना, इमेजिनरी रूट मीन्स बी जो है हमारा ये क्या है, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो जब ये क्वांटिटी नेगेटिव हो, लेस देन जीरो हो, तब उसके रूट्स इमेजिनरी होते हैं। तो इमेजिनरी यहीं से हम शुरू करते हैं। तो एक ऐसा नंबर जिसका एक रूट, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एक प्लस आई वाई। आई क्या है, आई इज अ स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। एक्स तो रियल है और वाई भी रियल है, लेकिन इसका एक पार्ट इमेजिनरी कहा जाता है। आई वाई इज इमेजिनरी एंड एक्स इज रियल, सच टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका बहुत वाइड यूज है, हम इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैं आपको जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आता जाएगा मैं आपको एक एक चीज बताता जाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है ई रेस टू जेड वन प्लस आई रूट थ्री। हमको दिया है ई रेस टू जेड इज इक्वल टू वन प्लस आई रूट थ्री। हमें बताना है जेड क्या होगा, फाइंड आर वैल्यूज ऑफ जेड। ठीक है, तो हमें जेड की सभी वैल्यूज पता करनी है। तो जेड बराबर होता है एक्स प्लस आई वन। ठीक है, तो अब नंबर है ये, तो जैसे कि आप नंबर पढ़ना शुरू करते हैं तो उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे। फिर आपने रेशनल नंबर पढ़ा, इरेशनल नंबर पढ़ा, उसको भी आपने नंबर लाइन पे लोकेट किया है ना। तो उसके बाद आपने रियल नंबर पढ़ा, दोनों का रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन। अब आप पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, नंबर लाइन पर नहीं, लेकिन इसके लिए एक्स वाई प्लेन होता है, हम एक्स वाई प्लेन पर इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस पर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम कहते हैं जेड प्लेन। क्या कहते हैं, जेड प्लेन। नेम चेंज हो जाता है, ठीक है। एक्स एक्सिस हमारा वही होगा, वाई एक्सिस यही होगा, हम इस पर इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अब इसे हम इक्विवेलेंट एक्स कॉमा वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब एक्स वाई क्या है, रियल नंबर है, और इसे जब हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो ऑर्डर पेयर का मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है। ठीक है, ये आपका है और आपने ये एक्स है, ये वाई है हमारा, ये पॉइंट क्या है, एक्स कॉमा वाई है। तो ये हमारा ओरिजिन है और इस पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से मिला दें तो इस पॉइंट जेड की ओरिजिन से दूरी जो होती है वो क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं ये डायगोनल हाइपोटेन्यूज बन रहा है एक्स प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, और इसे हम क्या लिखते हैं, आर से लिखते हैं। तो जेड का जो इसे क्या कहते हैं, मॉडुलस बराबर आर होता है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ये स्क्वायर रूट के अंदर बराबर होता है। अब ये जो है जीरो, मान लीजिए ये पॉइंट बी है, ये थीटा कोण बना रहा है ना। तो ये तो आपकी हो गई कार्टेशियन फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की। एक फॉर्म होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, तो जब थीटा कोण बना रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या होगा, एक्स जो है एक्स बराबर आर कॉस थीटा होगा एंड वाई बराबर आर साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, पाइथागोरस थ्योरम से लगाइए। तो अब इस वैल्यू को वहां पर रिप्लेस करेंगे तो हमें जेड बराबर मिलेगा आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा,
और इसे हम क्या लिख सकते हैं, ई रेस टू आई थीटा। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की तीन फॉर्म हो गई, एक ये हो गई और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म हो गई और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। ठीक है, तो इन तीनों को याद रखिएगा। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है ई रेस टू जेड बराबर वन प्लस आई रूट थ्री। तो हम वन प्लस आई रूट थ्री को, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म का है, कार्टेशियन फॉर्म का है। तो हम इसे आर ई रेस टू आई थीटा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, कोई भी नंबर है उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब यहां से बताइए कि आर क्या होगा। आर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन अंडर रूट। तो यहां पर बताइए एक्स क्या है, एक्स है वन प्लस वाई क्या है, रूट थ्री, स्क्वायर करेंगे थ्री आएगा। इसका मतलब ये आर बराबर कितना आ गया, टू आ गया। तो आर बराबर टू रख दीजिए। ई रेस टू आई थीटा, थीटा क्या होता है, थीटा होता है टैन इनवर्स वाई बाई एक्स। जो अभी हमने एक्स वाई प्लेन पर दिखाया था वहीं से टैन थीटा टेंजेंट निकालेंगे तो टैन टैन थीटा बराबर वाई बाई एक्स आएगा, है ना। तो इसमें क्या है, वाई कितना है, रूट थ्री है। तो थीटा क्या हो गया, टैन इनवर्स रूट थ्री बाई एक्स है वन, और रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, टैन सिक्सटी की वैल्यू होती है। इसका मतलब ये हुआ टैन इनवर्स टैन पाई बाई थ्री, दिस मीन थीटा बराबर पाई बाई थ्री आ गया। तो यहां पर आई पाई बाई थ्री लिख दिया। ठीक, इतना हो गया। अब ये इसके इक्वेलेंट है, ये इसके इक्वेलेंट है, तो इसको हम दिस इंप्लाइज दैट ई रेस टू जेड बराबर टू टाइम ई रेस टू आई पाई थीटा लिख सकते हैं। दोनों को इक्वेलेंट कर दिया। अब एनी हाउ हमें यहां से ई को इलिमिनेट करना है तभी हमें जेड मिलेगा, लेकिन यहां पर एट दिस पोजीशन वी कैन नॉट इलिमिनेट जेड बिकॉज हमें यहां टू टाइम लगा हुआ है, तो इसे टू को भी हटाना होगा। तो क्या करते हैं इसके लिए, हम इसके लिए लॉग लेंगे। ठीक है, लॉग दोनों साइड लेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम और करेंगे, क्योंकि हमसे प्रिंसिपल वैल्यू नहीं पूछी गई है। ये थीटा है, ये एक राउंड घूमेगा तो ये एक राउंड में प्रिंसिपल वैल्यू होती है, लेकिन जब ये यहां से दोबारा घूमना शुरू करेगा दोबारा, तो ऐसे इसकी बहुत सारी वैल्यूज होंगी थीटा की, है ना, इनफाइनाइट होंगी। तो हमें आर वैल्यूज पूछा है, तो इसमें हम एक काम और करेंगे, वन से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, वन से मल्टीप्लाई करते हैं, टू रेस टू आई पाई बाई थ्री। वन को हम क्या लिख सकते हैं, वन को हम लिख सकते हैं ई रेस टू टू एन पाई आई। ठीक है, वेयर एन इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन। जब एन बराबर जीरो रखेंगे, देखिए एन बराबर जीरो रखेंगे तो ई रेस टू जीरो हो जाएगा, मतलब उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक मिल जाएगी, कॉस टू पाई प्लस आई साइन टू पाई, तो आपको वन देगा। फिर इसी तरह इसमें जाएंगे, तो जब भी आप एन बराबर वन टू थ्री रखेंगे तो ये जीरो ही घूम के आपको वन ही देगा। ठीक है, अब इसको क्या करिए, टू रेस टू टू इंटू, अब यहां से क्या आई कॉमन ले लें, तो ये हो गया पाई बाई थ्री प्लस टू एन पाई। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, इस साइड में लॉग लीजिए तो ये हो गया जेड लॉग ई, बेस तो ई रहेगा ही इसका, और जब बेस ये दोनों बराबर हो तो इसके वैल्यू वन होती है। अब यहां देखिए, इधर भी लॉग लेंगे, टू टाइम ई रेस टू आई पाई भी कॉमन निकाल लीजिए, तो इसमें क्या बचा, वन बाई थ्री प्लस टू एन। ठीक है, ओके, ये अभी ये जो है लॉग ई और बेस ई मिलकर ये वन देता है, तो यहां पे हमें सिर्फ जेड मिल गया। ठीक, अब ये देखिए लॉग टू इंटू ई रेस टू समथिंग, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग टू प्लस लॉग ई रेस टू आई पाई
ब्रैकेट में 1/3 + 2n, ठीक है। अब यहां भी बेस ही है तो ये log खत्म हो जाएगा, log 2 प्लस i पाई 1/3 + 2n, क्लियर है। ये हमारी वैल्यू आ गई जेड की। दिस वन इज, ये हमारी जेड की एक्चुअल वैल्यू आ गई, वेयर n बराबर 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।